स्कूल प्रकोष्ठ के द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया था और यहाँ पे सभी जाकर की गई थी और इस बार भी किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपी के एशन और साथ ही हमारे नेशनल प्लेयर श्रेटी कुमारी का आगमन है। और आप देख सकते हैं जैसा कि दौड़ का आयोजन हो चुका है और लाल झंडे के द्वारा दौड़ का सभी हमारे जो जितने भी धावक हैं ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के एशन जिनका नाम है शिव शंकर सोलंकी जो कि सीआरपीएफ के एशन है। तो मैं स्वागत करूंगा बहुत आज तेरे साल भर की दौड़ की एक सफल प्रतियोगिता है, तुझे भागना पड़ेगा। तो भाग कहा जाता है शायद जिसको बुरा हुआ है, जिसको बुरा हुआ है उससे भी जवान है, पेट से फलना ही पड़ेगा जब तक जान में जान है, जब तक जान में जान है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर सभी धामकों में से कुछ पच्चीस दौड़ों को चुना जाएगा और सभी को प्रसारित की जाएगी। और ये फिटनेस क्लब का जो हमारा जो स्थापना था 2016 में किया गया था और यह 2021 की कार्यवाही फिर से आज इस ग्राउंड की एक संयुक्त के रूप में यहाँ तैयार है। तो आपके सामने धामकों की टोलियाँ देख सकते हैं, आप सभी लोग टोल लगा रहे, काफी उत्कृष्ट धारक है और जितने भी धारक है सभी आर्मी के धारक हैं। और ये चक्कर दूसरी की शुरुआत हो रही है, दूसरी चल रही है और सबसे आगे ये धावक के रूप में आपको दिख पा रहे होंगे जो की काफी अच्छे धावक हैं। और मैं एक बार बताना चाहूंगा जितने भी धावक हैं सभी भारतीय सेना के धावक हैं जिन्होंने आर्मी में जाने का अपना जुनून डाला है। क्योंकि सवाल जुनून उसी को होता है बिना खून के मैं कहना चाहूंगा आप कर सकते हैं और छूटिए। और मैं कैसे धारकों से लगाइए और सभी दस बार सही भाषण उत्साहित किया जाता है, छू जाएगी तो अभी एक नंबर पर काफी अच्छे चल रहे हैं। और आपके सामने ये जो सारा प्रोग्राम का मार्गदर्शक है वो हमारे नीतीश गुराज छोर जिन्होंने 2016 में निःशुल्क फिटनेस क्लब अफगानपुर बाल पटना का जन्म नींव रखा था। और ये करीब 2016 से 2021 तक के कारवा अपने आप में एक जज्बा है, अपने आप में मैं उसे सलाम करता हूँ क्योंकि शहर ट्रेनिंग देने की कारवा उनके साथ काफी अच्छी थी, उनका टेक्निकल काफी अच्छा था, शुरुआती दौरों में काफी कम थे। और ये चक्कर तीसरी की शुरुआत हो गई है तो आपको थोड़ा और काफी अच्छी लगानी पड़ेगी क्योंकि आगे के धावकों को मेहनत अभी दिख जाएगा दस नंबर के नहाने पर, दस नंबर के नहाने पर आपको प्राइज भी मिल जाएगा। इसके लिए आप दोनों से 4 मिनट लगाइए और आपका एक तीसरा राउंड खत्म हो चुका है, 13 राउंड का शुरुआत हो चुका है। और सबसे आगे धारकों में से हमारे बारह के नाम से प्रसिद्ध जो की अच्छे धारक है और भारतीय सेना में जाने के लिए अंदर भी जी हुई है और उनके पीछे सत्यम देखिए अभी अच्छे धारक है, जितने भी धारक है और सभी आर्मी और जिनको भी कई प्रकार की समस्या आ रही है ग्राउंड अगर खेलना चाहेंगे तो अंदर आ सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कृपया पांच राउंड लगाएं और लोग छोटे का शुरुआत हो चुका है तो पीछे जाने का आपको क्या कर रहे हैं कि आप लीड ले लेते हैं जिस प्रकार प्रेरणा चल रही आपके लिए लीड हो गए जोर हो गए और आगे जाने पीछे से कई जाने करते हैं जो कि जोर लगा रहे हैं तो बचे हमें जाने को पीछे जाने के जाने के रूप में आ रहे हैं। और ये लॉर्ड खेलते हैं याद रखेंगे लॉर्ड खेलते हैं आपको इसके बाद दौड़नी नहीं पड़ेगी। तो कृपया जितना भी आपके अंदर एनर्जी होगा आ जाए और 10-15 बार करने से आ जाए और लास्ट राउंड का शुरुआत है। आप लोगों का रखे भी पीछे हैं कृपया अगले को पकड़ने की कोशिश करेंगे और आगे बात करने के बाद
और दो तीन मिनट में भी हमारे लगता है अच्छे अच्छे बैरक पहुंच चुके हैं। पीछे से भी जोर लगाएंगे, पीछे से भी जोर लगाएंगे, अपना अपना सरकार प्रदर्शन देकर जाएंगे। जो लोग अभी भी आपके पास चांस है, अपना समय कम से कम कर सकते हैं। अभी आप उसका बस भी बन चुका है तो जल्दी से जल्दी दौड़ लगाने पहुंचे अपने ब्लॉक के पास पहुंचे। और पीछे वाले भी धारकों से आग्रह कृपया पहुंच जाएंगे। और इस तरह से मुझे लगता है दस धारकों का सिलेक्शन हो चुका है और आज 25 दिन मेरे का ये दौड़ का प्रत्येक समापन होने वाले हैं और समापन हो चुका है। जी हाँ साहब, आप लोगों ने देखा कितनी अच्छा प्रदेश है और कितनी अच्छी दौड़ लगाई।